किसान भाइयों, माहू कीट हमारी फसलों में कब अटैक करता है? दोस्तों, जब कड़ाके की ठंड पड़ती है और कोहरा दबा होता है दोस्तों, उस समय माहू कीट हमारी फसलों पर अटैक नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हमारा ठंड का महीना ख़त्म होने लगता है दोस्तों, जैसे ही ठंड हल्की होने लगती है और धूप में तेज़ी होने लगती है, उस समय दोस्तों जो माहू कीट होता है वो हमारी फसलों में अटैक करता है। और दोस्तों, माहू कीट का जो अटैक है दोस्तों, वो आपकी फसलों से काफ़ी हद तक आपके उत्पादन को कम कर सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी फसल में भी माहू कीट का अटैक हो रहा है, अगर आपकी फसलों में भी माहू कीट दिखाई दे रही है, तो दोस्तों आपको जल्द से जल्द उस पर नियंत्रण करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, माहू कीट जो है वो आपकी फसलों से जो फ्लावरिंग है दोस्तों, उस फूलों से सारा रस चूस लेती है और आपका जो उत्पादन है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माहू कीट पर नियंत्रण कैसे पाएं। आप सभी किसान देख रहे हैं बुंदेलखंड फार्मिंग चैनल। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि दोस्तों खेती बाड़ी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। किसान भाइयों, आज हम अपनी मटर की फसल में माहू के नियंत्रण के लिए स्प्रे करने वाले हैं। और दोस्तों, साथ ही में हमारी जो मटर की फसल है उसमें अच्छा उत्पादन निकले, इसके लिए भी एक टेक्निकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, टोटल इस स्प्रे में हम लोग 3 टेक्निकल यूज़ करने वाले हैं आज। दोस्तों, जो 2 टेक्निकल हैं हमारे, वो हमारे हैं माहू तथा जो भी दूसरे कीट हैं उन सबके नियंत्रण के लिए होने वाले हैं। और एक टेक्निकल जो है वो दोस्तों हमारी फसल के लिए टॉनिक है, जिससे दोस्तों हमारे फसल में अच्छी फ्लावरिंग होगी और हमारी जो फसल है वो दोस्तों अच्छा उत्पादन निकाल करके देगी। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कौन कौन से हैं वो टेक्निकल जो हम यूज़ करने वाले हैं। भाइयों, अभी जो आप स्क्रीन पर टेक्निकल देख रहे हैं दोस्तों, ये एडामा कंपनी की तरफ से आने वाला प्रोफिगान प्लस है। दोस्तों, ये एक इंसेक्टिसाइड्स है जो कि सभी प्रकार के कीटों के लिए है। दोस्तों, तो इसका हम स्प्रे अपनी फसल में आज करने वाले हैं। दोस्तों, इसकी डोज हमको 15 से 20 ml पर टंकी, जो हमारी स्प्रे का टैंक है उसमें दोस्तों हमको 15 से 20 ml इसको डालना है। और दोस्तों, इसके साथ में जो हम एक दूसरा टेक्निकल यूज़ करने वाले हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, JU कंपनी की तरफ से आने वाला कीपर नाम का ये टेक्निकल। दोस्तों, जो कीपर नाम का ये टेक्निकल है दोस्तों, इसको जब भी हम डालते हैं दोस्तों, तो ये जो इंसेक्टिसाइड दोस्तों जो है हमारा टेक्निकल, उसके साथ में मिलाकर हम डालते हैं। दोस्तों, जो कीपर नाम का टॉनिक है, ये हमारे उस इंसेक्टिसाइड को पत्तियों पर चिपकाने का काम करता है। दोस्तों, ये जो कीपर नाम का टॉनिक है, ये गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ होता है। और दोस्तों, ये जो टेक्निकल है हमारा इंसेक्टिसाइड, जो प्रोफिगान प्लस, ये दोस्तों इसको चिपकाने का काम करता है। दोस्तों, ये जो स्प्रे है इसको फसल की पत्तियों पर और फूलों पर सब जगह चिपका देता है। उसके बाद दोस्तों, कि सभी प्रकार के जो कीट हैं, पतंगे हैं, टिड्डा हुआ, तितली हुआ, सभी प्रकार के कीट दोस्तों हमारी फसलों पर नहीं बैठते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं तीसरे टेक्निकल की, जो कि कैड एग्री की तरफ से आने वाला मेंटोर नाम का टॉनिक है। दोस्तों, ये जो टॉनिक है दोस्तों, ये हमारी फसल में तेसिस की प्रक्रिया को बढ़ाता है। दोस्तों, हमारा जो पौधा होता है वो प्रकाश की किरणों द्वारा भोजन बनाता है, उस प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। तो दोस्तों, ये हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को बढ़ाता है टॉनिक, जिससे हमारे पौधे जो हैं दोस्तों, वो ज़्यादा से ज़्यादा भोजन बना पाते हैं। और दोस्तों, जो हमारे पौधे ज़्यादा से ज़्यादा भोजन बना पाते हैं, तो जो हमारी फसल है उसकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाती है, और इस तरीके से हमारी जो फसल है वो हमको अच्छा उत्पादन निकाल करके देती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 3 टेक्निकल यूज़ करे हैं अपनी फसल में दोस्तों, जिससे हमारी फसल कीटों से मुक्त हो जाएगी। और साथ ही में दोस्तों, जो टॉनिक हमने यूज़ किया है उससे हमारी फसलें अच्छा उत्पादन देंगी। तो दोस्तों, ये जो टॉनिक हमने स्प्रे किया है दोस्तों, इसको आप मटर की फसल में और सरसों की फसल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का आपको ये हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी किसान भाइयों को ये जानकारी मिल सके और हमारे सभी किसान भाई कीटों से नियंत्रण पा सके और अच्छा उत्पादन ले सके।